हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक प्रॉब्लम जो जेईई मेन एग्जाम 2020 में 7 जनवरी को शिफ्ट वन में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या है? लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक, y equals to fx क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है एंड f of 0 equals to कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, f of 1 is equal to, तो f of 1 किसके इक्वल आएगा? तो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम को हमेशा अपने एंड पे ट्राई करा करो, देन सी द सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। e पावर y dy ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ? e पावर x लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझोगे, एक्चुअली प्रॉब्लम का कौन सा फॉर्मेट है? डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो जनरली हम वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस या फिर एलडीई फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही समझ रहे होते हैं। मतलब कौन सा फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ ई पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, हमने यहाँ से लिखा ई पावर वाई, यहाँ से लिखा ई पावर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसको समझो, एक्चुअली क्या है कि ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ, दिस इज रिड्यूस टू एलडीई फॉर्मेट लिखा हुआ है, रिड्यूस टू एल डी। क्या जनरली ये वाला टॉपिक भी क्या है क्लास में डिस्कस करवाया जाता है, कि स्टैंडर्ड टॉपिक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअली कौन सा होता है रिड्यूस टू एल डी फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है? डी वाई ओवर डी एक्स तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में हमारे पास में क्या लिखा हुआ, एफ डैश वाई लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एफ ओ वाई इंटू पी एंड दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ, क्यू लिखा हुआ। पी और क्यू क्या, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास में, फंक्शन ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कंप्लीटली वाई का टर्म है, अगर इसको मैं वी अज्यूम करता हूँ तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कंप्लीट ये पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, लेट ई पावर वाई को तो हम मान लेते हैं वी ना, उसको अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा ई पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा ना। हम ये कह सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आगे ये आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स, तो यहाँ आ गया माइनस ऑफ ये बी कन्वर्ट हो जाएगा, ई पावर वाई को हमने बी मान लिया और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। और डी स्टूडेंट ये क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एक एल डी फॉर्मेट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड अगर एल डी फॉर्मेट है तो इसको जब सॉल्व करना रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, ई पावर डी वी है, साथ में एक बी आ रहा है तो इसका कोफिशियंट कितना आ रहा है, माइनस वन आया इंटू डी एक्स यहां से आ जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स आएगा। और डी स्टूडेंट ध्यान रखना है यहाँ पर हम कभी भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं लिखते, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कितना आ गया, ई पावर माइनस एक्स आ गया ना। उसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वाई लिखते हैं, सॉरी वाई की जगह अभी कितना आ जाएगा, डी वी ओवर डी वी में है तो बी इन टू लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा ई पावर एक्स आ जाएगा, साथ में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा और प्लस सी। ठीक, इस तरह से आ जाएगा ना, ई पावर एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया तो यहाँ डी एक्स आ गया और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो डी यहाँ आ गया एक्स प्लस सी, बी का मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कितना है, ई पावर वाई, बी का वैल्यू ई पावर वाई है तो हमने यहाँ इसको पुट कर दिया, ई पावर वाई यहाँ पर आ गया और ये क्या लिखा हुआ, ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक स्टूडेंट, ई पावर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस सी इंटू ई पार एक्स आ गया। नाउ एक और कंडीशन हमें दे रखी है कि एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, मतलब जब एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू भी कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो वाई का वैल्यू जब जीरो यहाँ पुट करेंगे तो ई पार जीरो तो वन बनेगा, यहाँ जीरो प्लस सी आ गया और साथ में कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो ई पार जीरो वन हो जाएगा तो इंटू में वन आ गया, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ गया। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ई पावर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी, तो सी का वैल्यू वन हो गया इंटू ई पावर एक्स आ जाएगा ना। हमसे पूछा हुआ एक काम करते हैं कि हमसे एफ ऑफ वन पूछा गया, तो मैं यहां से वाई निकाल देता हूं तो बोथ साइड हमने लॉग ले लिया, तो लॉग ले लेंगे तो यहां तो वाई आ जाएगा, जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ वाई है ना, लॉग सॉरी वाई बाहर निकल आएगा, लॉग ई बेसिक वैल्यू वन हो जाएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लॉग ऑफ एम प्लस एन का फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन, आप जब लिखोगे तो कितना जाएगा, लॉग ऑफ ई पार एक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स को जब बाहर निकालेंगे तो फाइनली यही पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा ना। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स आ गया ना। मुझे करना क्या है, एक्स इक्वल टू वन पुट करके एफ ओ वन का वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करना है, तो वाई का वैल्यू निकालना एक्स इक्वल टू वन पर, एक्स इक्वल टू वन हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, लॉग टू
और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस log 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट मैं भी ये कहूंगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी काफी आसान प्रॉब्लम आया हुआ है, जनरली क्लास में इससे टफ प्रॉब्लम भी करते हैं, एक इस बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, नॉट डिफिकल्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।